डेंटल फ्लॉस की इस एड सीरीज में तीन तस्वीरों को फोटोशॉप किया गया है। हर तस्वीर में एक पुरुष और महिला है। तीनों चित्रों में पुरुष हंस रहा है और उसके दांत दिख रहे हैं। एक दांत काला नजर आता है, यानी या तो उसमें भोजन का टुकड़ा फंसा है या वह सड़ चुका है। ज्यादातर रीडर्स को एक नज़र में सबसे पहले दांत की यही गड़बड़ी दिखती है, लेकिन इसके बाद जब रीडर विज्ञापन के साथ लिखी गई एक छोटी सी लाइन को पढ़ता है, तब उसे असल गड़बड़ का पता चलता है। दरअसल विज्ञापन की तीनों तस्वीरों में फोटोग्राफ के जरिए एक एक बड़ी गड़बड़ की गई है। जैसे इस चित्र में पुरुष के कंधे पर एक हाथ है, वह हाथ न तो महिला का है न ही उस पुरुष का। यह बहुत बड़ी गड़बड़ है, लेकिन आमतौर पर होता यही है कि काले दांत पर नजर पड़ने के बाद इस हाथ की तरफ ध्यान कम ही जाता है। विज्ञापन के कोने में प्रोडक्ट की इमेज के साथ सामान्य अक्षरों में लिखा होता है। ऐसा मुंह जिसकी केयर नहीं की जाती, उसके सामने एक्स्ट्रा हाथ भी नजर नहीं आता। इससे रीडर को तुरंत यह अनकहा मैसेज मिल जाता है कि यदि अपने मुंह और दांतों की उचित देखभाल न की जाए, यानी उस डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें और अपने मुंह को साफ रखें। मजे की बात है कि इस बात को रीडर ने अभी अभी खुद ही साबित किया है, इसलिए वे इस मैसेज को बिना किसी शक के स्वीकार कर लेता है।